बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत टीवी की दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक्ट्रेस अपने रियलिटी शो लॉकअप सीजन 2 के जरिए टीवी पर दस्तक दे रही हैं। लॉकअप का पहला सीजन ओटीटी पर स्ट्रीम हुआ था, लेकिन इस बार एकता कपूर अपने इस रियलिटी शो को टीवी पर लेकर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इस रियलिटी शो से जुड़े तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं। इसी बीच कई सेलेब्स ने लॉकअप को ऑफर तक ठुकरा दिया है। दावा किया जा रहा था कि पारस छाबड़ा इस शो में नजर आएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। दरअसल कंगना रनौत का रियलिटी शो लॉकअप सीजन 27 मार्च से शुरू हो रहा है। सोशल मीडिया पर कई फैन पेज ने दावा किया था कि मेकर्स इस शो में पारस छाबड़ा को बुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एकता कपूर ने उन्हें मोटी रकम भी ऑफर की है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि पारस ने शो को ठुकरा दिया है, वे शो में आने के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि पारस छाबड़ा बिग बॉस 13 में नजर आए थे। इस रियलिटी शो में पारस के जबरदस्त माइंड गेम को फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था और वे टॉप 5 तक पहुंच भी गए थे। इसी के साथ बता दें कि पहले उमर रियाज ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर बताया था कि वे लॉकअप सीजन 2 में नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अपने इंस्टा स्टोरी पर लिखा था कि उनका इस शो में आने का कोई प्लान नहीं है। इसके अलावा दिव्या अग्रवाल ने भी ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें एक्ट्रेस ने बताया था कि वह कई सारे रियलिटी शोज बतौर कंटेस्टेंट कर चुकी है और वे अब बहुत खुश है। उनका किसी रियलिटी शो में आने का अभी कोई प्लान नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप लॉकअप सीजन 2 देखने के लिए एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही लॉकअप सीजन 2 के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।